अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनोश वर्ल्ड। तो आज मैं सभी के लिए बनाने जा रही हूँ बॉन्टी बार, जो कि बॉन्टी चॉकलेट्स भी कहते हैं। चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनकर रेडी हो जाएगी रेसिपी। बॉन्टी चॉकलेट बनाने के लिए हमें इन सब इंग्रीडियंट्स की ज़रूरत होगी। मैंने यहाँ 1.5 कप डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है, इसे नारियल का बुरादा भी कहते हैं। मैंने यहाँ होममेड लिया है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। 100 ग्राम मैंने चॉकलेट ले लिया है, आप डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, कौन से भी ब्रांड का ले सकते हो, या तो कैडबरी चॉकलेट भी ले सकते हो। 1/2 कप चीनी ले लिया है, 1 टेबल स्पून बटर, 1 कप मिल्क ले लिया है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए अब हम पैन में दूध डाल लेते हैं। गैस को हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और इसको एक उबाल आने देंगे। तो चलिए हमारा दूध का एक उबाल आ चुका है। अब हम इसे गैस को कम कर लेंगे और इसमें चीनी को ऐड कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसे चीनी को डिसॉल्व कर लेंगे। चीनी के प्लेस में आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हो, मैं यहाँ चीनी डाल रही हूँ। तो अब हमारी चीनी इसमें घुल चुकी है। अब हम इसमें नारियल का बुरादा डालेंगे। और इसे इस तरह से पका लेंगे। अब हम इसे इस तरह से पकाएंगे। अगर आपके पास नारियल का बुरादा ना हो तो आप सूखे नारियल को कद्दूकस कर भी डाल सकते हो। तब तक हम इसे पका लेंगे जब तक इस तरह से ना हो, लाइक ए डो की तरह होनी चाहिए। अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे। मैंने गैस को ऑफ कर इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब हम इसे फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। इस तरह से हम डालेंगे। मैंने यहाँ इसे सेट कर लिया है। अब हम इसे फ्रीजर में रख लेंगे 15 मिनट तक सेट होने के लिए। पानी को गर्म कर लेते हैं और डबल बॉयलर से चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। इस तरह पानी का एक उबाल आने दें और इसे इस तरह से रख लेंगे और गैस को हम कम कर लेंगे और इसमें चॉकलेट हम डाल लेंगे इस तरह। देखिए, और मैं यहाँ बटर भी ले रही हूँ, आप चाहो तो बटर ले सकते हो, ये ऑप्शनल है। इस तरह से हम मेल्ट करेंगे। देखिए हमारा चॉकलेट मेल्ट हो रहा है। तो देखिए हमारा चॉकलेट मेल्ट हो चुका है। चलिए मैंने इसे फ्रीजर से निकाल लिया है। अब हम इसे काट लेंगे इस तरह से। हम काट लेंगे। तो चलिए अब हम इसे अलग कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। मैंने इसे इसका इस तरह से शेप देकर रख लिया है। अब हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हम निकाल लेंगे इसे।
तो देखिए मैंने इसे अलग कर लिया है। इसका शेप देखिए, मैंने इसे इस तरह से शेप दे लिया है। अब हम इसे मेल्ट किए हुए चॉकलेट में डिप कर लेंगे। अब हम चॉकलेट को इसमें डिप कर लेंगे, इस तरह डिप करेंगे और इसके एक्सेस को इस तरह से निकालेंगे और इसे इस तरह से हम साइड में रख लेंगे। इसी तरह मैंने सारे चॉकलेट को इस तरह डिप कर रख लूँगी। तो मैंने यहाँ इसे डिप कर लिया है। देखिए अब हम इसे फ्रीजर में रख लेंगे 15 मिनट्स के लिए। हमारे बाउंटी बार बनकर रेडी हो चुके हैं। मैंने इसे फ्रीजर में से निकाल लिया है। देखिए कितने अच्छे बनकर रेडी हो गए हैं। ये देखिए मैंने इसे काट लिया है।